प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गणेश पूजन विवाद पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने भुवनेश्वर में जनता मैदान में कहा कि सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया। आज यहाँ आने से पहले आदिवासी परिवार के पीएम आवास गया था। हर साल जन्मदिन पर माँ से आशीर्वाद लेने जाता था, वो मुझे गुड़ खिलाती थी। आज माँ नहीं है, लेकिन इस बार एक आदिवासी माँ ने मुझे खीर खिलाई। इससे पहले मोदी ने सुभद्रा योजना भी लॉन्च की। ये एक वित्तीय सहायता योजना है जिसका नाम भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की बहन सुभद्रा के नाम पर रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 से 60 साल की महिलाओं को 2024-25 और 2028-29 के बीच 5 सालों के दौरान 50,000 रुपए देगी। साथ ही कई रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही देश भर के 2800 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। मोदी ने 14 राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 10 लाख लाभार्थियों को मदद राशि की पहली किस्त भी जारी की। सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। साथियों, हमें साथ मिलकर अभी कई बड़े मुकाम हासिल करने हैं। हमें उड़ीसा को, अपने देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है।